कोरोना से सावधान रहें, कोरोना बहुत तेजी से फैला हुआ है, हर जगह पे टेंशन व्याप्त है। गाजियाबाद में 144 धारा लगा दी गई है, इसका मतलब, और वो भी सत्ताईस सर इस वाले कोरोना से डेथ भी बेटा। होती है। लेकिन अगर ये अंदर घुस जाए, नमोनिया हो जाए, वो लंग्स को बेकार कर देता है भविष्य के लिए। तो इससे हम ये सोच के थोड़ी खुश हो सकते हैं। और ये इन्फेक्टिव ज्यादा है, 30 कंट्रीज में फैल चुका है, और मैंने कहा गाजियाबाद में 144 धारा लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि 27 जनवरी तक पूरे गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, 4 लोग इकट्ठा नहीं होंगे। आप समझ गए ना ये वाली बात मेरी, क्योंकि बचाव जरूरी है। अभी साइंटिस्ट को नहीं मालूम कि क्या होगा इसका, क्योंकि इसके सिम्टम्स उन लोगों को मालूम नहीं है। तो मेरा आपसे कहना का मतलब ये है कि ओमिक्रॉन को इतना इजी ना समझें। कई जगह पे ये खबरें जो आ रही हैं कि इसके लक्षण हल्के होते हैं, ये फेटल नहीं है, ये घातक नहीं है। देखो, हर बीमारी घातक होती है। आज तक कोरोना ने कितना कहर उठाया, जब शुरू में आया लोगों ने इतनी प्रिकॉशंस बरती थी, और सिर्फ एक केस से शुरू हुआ था, और वो इतना फैल गया कि पूरे साल हमारे भारत में तालेबंदी हो गई, हर शहर हर गली सब कुछ बंद कर दिया गया। और कितनी कैजुअलिटीज हुई, कितनी डेथ हुई, कितने लोग परेशान हुए, कितने लोग जिंदगी भर के लिए लंग्स खराब कर बैठे। ऐसे ही उसका नया वेरिएंट आया है, और इस वेरिएंट से तो बचाव हमको करना ही होगा। साइंटिस्ट ने अभी सिर्फ हमको ये कहा है कि इनके लक्षण हमको समझ नहीं आ रहे हैं अभी, क्योंकि वो जनरल खांसी, जनरल बुखार, और यही उस कोरोना के भी थे। ये अपने आप को चेंज करता है, नए करेक्टर्स, नए सिम्टम्स, नए साइन लाता है। लेकिन हो सकता है जिन लोगों में ये कोरोना हुआ उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, इसलिए उनको कम असर हुआ हो। कम इम्यूनिटी वाले को होता तो क्या होता, क्योंकि पिछला वाला कोरोना बहुत लोगों की इम्यूनिटी को खत्म कर चुका है, कम कर चुका है। तो हम ये कह के तो शांत नहीं हो सकते ना। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर ऐसा नहीं होता तो एक जिले में, गाजियाबाद में, 144 नहीं लगाई जाती 27 जनवरी तक, और कहीं पर भी कभी भी कुछ भी 144 जैसा हो सकता है। इसलिए अपने आप को अलर्ट रखें, तैयार रखें। अगर हम सभी लोग अपना बचाव करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, वैक्सीन जरूर बचाएगी, लेकिन बच्चों को वैक्सीन कहाँ लगी है? अब की बार बच्चे को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। बाकी लोगों को वैक्सीनेटेड है, इट्स ओके, उनको जो गवर्नमेंट कहेगी बूस्टर डोज वगैरह वो लगेंगे, लेकिन बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। इस बार गैदरिंग में ना जाएं, भीड़ में ना जाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज यूज करें, लोगों से दूरियां बनाएं। गवर्नमेंट कहे कि 4 लोग इकट्ठे मत हो, उससे पहले खुद ही 4 इकट्ठे ना हो ना, वो ज्यादा अच्छा है। इधर उधर रोड पर ना थूकें, कहीं भी दुकानों में ऐसे भीड़ ना लगाएं, कम बाहर निकलें, जरूरत होने पर ही निकलें, वो बहुत अच्छा होगा। ये हमको अपने जनरल रूटीन में लाना होगा। देखो, कोरोना के इफेक्ट्स लंबे समय तक चलने वाले हैं, और इसका एक ही उपाय है, बचाओ, बचाव करो, सब ठीक होगा। ठीक है।